দিল্লিতে নরেন্দ্র মোদীর শপথ গ্রহণকে ঘিরে চূড়ান্ত তৎপরতার সময় জঙ্গি হামলা জম্মু ও কাশ্মীরে। পূর্ণার্থীদের বাস লক্ষ্য করে পাথারে গুলি জঙ্গিদের। অতর্কিত হামলায় টান সামলাতে না পেরে খাদে পড়ে যায় বাসটি। এই হামলায় এখনো পর্যন্ত 9 জন পূর্ণার্থীর মৃত্যু হয়েছে বলে সূত্রের খবর রয়েছে। আহত হয়েছেন 33 জন। সূত্রের খবর, পূর্ণার্থীদের নিয়ে বাসটি শিবখড়ি গুহা মন্দির থেকে ফিরছিল, সে সময় রিয়াসি এলাকায় অতর্কিত হামলা চালায় জঙ্গিরা। মুহুর্মুহ গুলি ছুটে আসে, ঘটনাস্থলে 9 জন পূর্ণার্থী মারা যান। গুলিবৃষ্টির সময় নিয়ন্ত্রণ হারান বাসের চালক, তাতেই খাদে গিয়ে বাসটি পরবর্তীতে স্থানীয় বাসিন্দারাই খাদে পড়ে যাওয়া বাস থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করতে নামেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রিয়াসি থানার পুলিশও। আহতদের আলাদা আলাদা হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। ये लगभग 6 बजे के करीब एक यात्री बस जो है वो शिवखोड़ी से दर्शन करके टूवर्ड्स रियासी जा रही थी, तो उसी बीच इसी स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए और जे एन के पुलिस साथ में सिविल्स लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। बाय 7:45 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया। 9 पीपल आर रिपोर्टेडली दे आर फियर डेड एंड 33 वर इंजर्ड। उनका अभी भी इलाज डिफरेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। ड्रोन्स वगैरह ड्रोन्स भी यूज हो रहे हैं। हमने अपनी 5 टीम्स बनाई हैं जो कि ये सारे एडजॉइनिंग आप देख ही रहे हैं। ये काफी फॉरेस्टेड एरिया है, काफी हाइट में है ये, पीछे की जितनी भी पीक्स हैं। इसके बैक साइड पे अरनास का एरिया टच करता है, रजौरी का बॉर्डर है ये, और वहां पे भी हमारी एसओजी की टीम साथ में सीएपीएफ और हमारी जेएन के पुलिस, हम सब एक प्रॉपर एक टीम बना के ये पूरा एरिया कोम करते हुए इसी स्पॉट पे सारे मिले। जो आई विटनेसेस का कहना है, उन्होंने 2 का नंबर अभी सामने आ रहा है।